हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अदिति डेटा इज गुड से। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पाइथन के क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझेंगे, और इतना ही नहीं और भी टॉपिक्स जैसे कि इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉरिज्म, उसको भी अच्छे से सीखेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सारे टॉपिक्स तो क्लियर और इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। इस ट्यूटोरियल में हमने जो कोर्स मटेरियल यूज किया है उसे डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। हाय वेलकम। पिछले सेक्शन में हमने कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में जाना। इस लेसन में हम बात करेंगे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस। क्लासेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लासेस की मदद से हम कोड रेप्लिकेशन अवॉइड कर सकते हैं। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका ये मतलब है कि पाइथन में हम क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं और आसानी से इन क्लासेस के मेथड्स को ऑब्जेक्ट्स की मदद से कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट को हम आसान सी भाषा में कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं, और क्लास के मेथड्स उसी डेटा पे मैनिपुलेशन करते हैं, और हमारा क्लास सारे ऑब्जेक्ट्स की एक ब्लूप्रिंट है। एक एग्जाम्पल देकर हम क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्लास के वैल्यूज को हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। मान लीजिए आपको एक सिस्टम बनाना है जिसमें आप हर एक सिटीजन का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, जैसे पर्सन की एज, पर्सन का एड्रेस, पर्सन की ऑक्यूपेशन एट्सेट्रा। ऐसे हम एक स्केलेटन बनाते हैं जहां हम मेंशन करेंगे कि हमें किन किन वैल्यूज की जरूरत है, और इन वैल्यूज को लेकर हम एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना होगा, और हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमारे क्लास के फंक्शंस को कॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने एक सिटीजन क्लास डिफाइन किया है। इस क्लास में हमने एक इनिट मेथड डिफाइन किया है। इनिट मेथड का इस्तेमाल वैल्यूज को असाइन करने के लिए होता है। जब भी हम इस क्लास को किसी ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, C1 इज इक्वल टू सिटीजन जॉन 36 पुणे, सबसे पहले हमारा इनिट मेथड रन होगा, और इस मेथड की वजह से हमारे वैल्यूज जॉन, 36 और पुणे असाइन हो जाएंगे एज, एड्रेस और नेम वेरिएबल्स में। यहां आप देख सकते हैं हमने सेल्फ कीवर्ड का भी इस्तेमाल किया है। सेल्फ कीवर्ड क्लास के वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज को डिलीट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, del c1.age। यहाँ एज एक प्रॉपर्टी है C1 ऑब्जेक्ट की, और हम पूरे ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, del p1। इस लेसन में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इनहेरिटेंस की मदद से हम एक क्लास के सारे मेथड्स को दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं बिना डिफाइन किए। इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब हम एक क्लास डिफाइन करेंगे जिसका नाम पर्सन है। इस क्लास में एज और नेम दो प्रॉपर्टीज हैं। अब हम इस क्लास में एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा डिस्प्ले फंक्शन। इस फंक्शन में हम एज और नेम के वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। इसका रिजल्ट अनीता 36 होगा। अब मान लीजिए कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट है कि आपको एक क्लास बनानी है स्टूडेंट के नाम से, और इस क्लास की प्रॉपर्टीज पर्सन क्लास से बहुत सिमिलर होंगी। अब हम पर्सन क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी से एक्सेस कर सकते हैं, और स्टूडेंट क्लास में पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब बारी है एक निंजा ट्रिक की। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, हमने सुपर फंक्शन का इस्तेमाल किया है इनिट फंक्शन के साथ, ताकि हम पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को चाइल्ड क्लास से एक्सेस कर सकें।
अब हम टेस्ट करते हैं कि क्या सच में पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास या स्टूडेंट में इनहेरिट हुई हैं या नहीं। S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट किरण कॉमा 17 S1 डॉट डिस्प्ले, ऐसा लिखने पे हमारा आउटपुट होगा किरण 17। एक क्लास जो दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है उसे चाइल्ड क्लास कहते हैं। यहाँ हमारे पर्सन क्लास पेरेंट होगी और चाइल्ड क्लास स्टूडेंट होगी। इस तरह से हम एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करवा सकते हैं। इस लेसन में हम इनकैप्सुलेशन के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इनकैप्सुलेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम वेरिएबल्स और मेथड्स को प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि यूजर्स हर मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए किया जाता है, ताकि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि आपके बैंक के अकाउंट का पासवर्ड और भी कई चीजें हर कोई एक्सेस ना कर सके। अगर आपके सॉफ्टवेयर में इनकैप्सुलेशन फीचर नहीं है तो कोई भी एक्सटर्नल यूजर आपके प्रोग्रामिंग में मॉडिफिकेशंस करके आपके सॉफ्टवेयर को खराब कर सकता है। इससे बचने के लिए और सेंसिटिव डेटा को छुपाने के लिए हम इनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इनकैप्सुलेशन वेरिएबल्स मेथड्स डेटा को सही से रैप करके उन्हें सिंगल एंटिटी जैसा बना देता है। एक रियल टाइम एग्जाम्पल की मदद से इनकैप्सुलेशन को समझते हैं। मान लीजिए कंपनी में 3 डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स मार्केटिंग और प्रोडक्शन। यहाँ सेल्स टीम के पास सेल्स के इंफॉर्मेशन है, मार्केटिंग टीम के पास मार्केटिंग की और प्रोडक्शन टीम के पास प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन है। अगर सेल्स टीम के किसी मेंबर को प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसे ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं मिल सकती। सेल्स टीम के मेंबर को प्रोडक्शन टीम के मेंबर से परमिशन लेनी होगी और परमिशन मिलने पर ही सेल्स टीम का मेंबर प्रोडक्शन टीम के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। इसी को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। प्रोग्रामिंग में डेटा हाइड करना बहुत जरूरी है। हम डेटा को क्लास के प्राइवेट मेंबर्स की मदद से हाइड कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स को हम सर क्लास के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें एरर मिलेगा। प्राइवेट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम अंडरस्कोर या डबल अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमने एज को अंडरस्कोर एज लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ हमारा एज एक प्राइवेट वेरिएबल है। चलिए अब हम एज को 326 पास करते हैं और इसका आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं। इसका रिजल्ट है अनीता 36। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एज की वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि एज एक प्राइवेट वेरिएबल है। अगर आपको एज की वैल्यू को मॉडिफाई करना हो तो आपको डायरेक्ट क्लास के अंदर जाकर मॉडिफाई करना होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसे समझते हैं। इस कोड का रिजल्ट अनीता 26 है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक मेथड डिफाइन किया है जहां हम एज वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे हैं। इनकैप्सुलेशन इसी तरह से काम करता है। चलिए अब हम इस लेसन को एंड करते हैं। इस लेसन में जानेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में। पॉली का मतलब है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स। इन्हें जोड़ने से हमें मिलती है एक ऐसी चीज जिसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट की मदद से हम एक मेथड को कई तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखकर समझते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म को और अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए हमने कई सारे बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ हमारे पास 3 बैंक्स हैं, SBI, ICICI और HDFC। मान लीजिए इन तीनों बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। चलिए अब हम हर एक बैंक को क्लास में डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से। हर एक क्लास में हमने एक मेथड डिफाइन किया है रेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर इंटरेस्ट के नाम से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन मेथड्स के नाम तो सेम है लेकिन इनके रिटर्निंग वैल्यूज अलग अलग हैं। जैसे SBI क्लास का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, ICICI का 4 है और HDFC का 7 है। अब चलिए पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हमें
कैसे मदद कर सकता है। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा और हम इस इंटरफेस की मदद से किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं। अब हम इन ऑब्जेक्ट्स को कॉमन इंटरफेस की मदद से कॉल करेंगे। कॉमन अंडरस्कोर इंटरेस्ट्स, इसका आउटपुट 8 होगा। कॉमन अंडरस्कोर इंटरेस्ट आईसी, इसका आउटपुट 4 होगा। कॉमन अंडरस्कोर इंटरेस्ट एच, और इसका आउटपुट 7 होगा। इस सेक्शन में हमने देखा कि हम किसी प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स यूज करके एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं बिना कोड रेप्लिकेशन का इस्तेमाल किए। हमने ये भी देखा कि डेटा को कैसे सिक्योर रख सकते हैं अनवांटेड यूजर्स से इनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल करके, और कैसे हम एक कोड को बार बार यूज कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करके। मैं उम्मीद करती हूँ हमारा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपके रिस्पॉन्ड करने पर हमें मोटिवेशन मिलेगी, जिससे हम और अच्छे वीडियोस अपलोड करेंगे। आपको कोई भी डाउट या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए नमस्कार एंड स्टे सेफ।